तो जी आज इनकी डिमांड थी कि मतलब इनका मन था कि कचौड़ी खाएं हम, लेकिन कचौड़ी नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि 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 तो जी इनका मन था कि मैं बनाऊँ कचौड़ी और मैंने तोरी छील ली है, तो अब मैं तोरी ही कट करूँगी और तोरी बनाऊँगी, और ये आएंगे शाम को, तो शाम को बनाऊँगी कचौड़ी। ये कह रहे अभी बना लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, और मेरे भी वर्क चल रहे हैं, तो शाम को मैं भी खा लेती हूँ, तो इसलिए अब देखते हैं भर वक्त तोरी बनाते हैं या कैसे बनाते हैं। तो छील लिए मैंने, अब कट कर लेती हूँ। छिलके की भी सब्ज़ी बनती है, लेकिन छिलके की अब नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शाम को बनाती आलू और छिलके की, और अब बनानी है मुझे, क्या बनाना है मुझे, हाँ छिलके भी आज कचौड़ियों में भर देती हूँ कचौड़ियों में भर दो छिलके भी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से, पहले तोरी वोरी बना लेती हूँ, फिर शाम को ही मिलेंगे, देखते हैं जो भी सूट होगा। लो जी कट हो गई है मेरी तोरी भी, और अब मैं फ़ोन लगाऊंगी चार्जिंग पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, देख सकते हो तोरी की सब्ज़ी मेरी बन गई थी सुबह ही, और अब मैंने बर्तन खाली किया है और पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बगैर पानी के। वैसे भी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन खाई किसी ने नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर बहनों के जेठ में बर्थ चल रहे हैं, तो मेरा भी उसी तरह से बर्थ चल रहा है। और एक टाइम शाम के टाइम खाती हूँ, और शाम को हिमांशी का, हिमांशी ने खाना नहीं खाया क्योंकि आज ये लेके आए थे तरबूज, और इधर बन रही है इनके लिए चाय, क्योंकि ये आए हैं गांव से, दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना वाना खा के आके खाया इन्होंने, सुबह रायता पी के चले गए थे, रायता भी बनाया था। तो बस अभी आप सबसे चाय पीने के बाद मिलते हैं, व्लॉग बनाएंगे, और काम तो चलता ही रहता है, काम तो चल ही रहा है, आप सबको दिख, मैं कह रही हूँ काम तो कुछ है ना चलता ही रहता है। आज मैंने ना लड्डू के कपड़े सारे धोए थे, सारे जितने भी थे, इतने नहीं जितने बाहर थे सब धो दिए, वो जितने बास्केट में थे वो छोड़ दिए, ये सब लड्डू के कपड़े हैं, तो ये उतार लेती हूँ मैं। हिमांशी चाय का ध्यान रखियो, कभी निकल जाए, चाय का ध्यान रखियो कभी निकल जाए। भैया यहाँ से खुलेगा, इसलिए मैं पैर से खोल रही थी। ये देखो ये लड्डू के कपड़े वो हैं जो डेली यूज में, लड्डू के कपड़े बाहर हैं, सूख गए हैं बिल्कुल, और ये धो दिए थे मैंने सुबह ही, बिस्तर वगैरह लड्डू के सब धो दिए, डेली यूज तो होते ही हैं, डेली तो धुलते ही हैं, लेकिन मैंने आज भी सारे कपड़े धो दिए। अब बस इन कपड़ों को तय बना के और रख देती हूँ। जी आप सभी चाय बन गई है मेरी। तो जी आलू मेरे छिल चुके हैं, और कपड़े भी सुखाए हुए, मैं कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, और बस अब कचौड़ियों की तैयारी शुरू करते हैं, और ये चले गए हैं गांव, गांव से आएंगे तो हमारी कचौड़ियाँ हो जाएंगी तैयार, और दही रखी है, सुबह का रायता रखा है, जिससे भी खाएंगे। मैं आज बाजार लगेगा तो मैंने हिमांशी से बोला है, हिमांशी आज जाके धनिया ले गया, मैं दीसू से मंगाऊंगी धनिया, दीसू धनिया लेके ये बेटा मैं भूल जाऊंगी, धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाऊंगी, और कचौड़ी गरम गरम जो भी बनाऊंगी जब आएंगे, तो अच्छा लगेगा इन्हें भी और हमें भी अच्छा लगेगा खिला के। तो मिलते हैं आप सभी से, बस अब मैं काम कर लेती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं। तो हो चुकी है दोपहर, और दो बज चुके हैं दिन के, और बस अब ये आए हैं, अब बनाएंगे अब चाय पानी, और बस ये चलता रहेगा पूरे दिन। और कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है सुबह से, वैसे वही सफाई वफाई थोड़ा थोड़ा काम सहसे वही चलता रहता है हमारा, पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सहसे आराम आराम से बस, फिर अभी देखते हैं। और लड्डू के कपड़े भी आज बाहर सूखे हुए, काम तो पूरे दिन ही लगा रहता है, लेकिन ब्लॉग तो पूरे दिन, फिर तो सभी यार ये कहेंगे तुम्हारे तो काम ही मैं ही कहूँगी काम है, तो सबके घर में होता है, तो काम तो जब फ्री हो, थोड़ा फ्री होते हैं तब ब्लॉग बनाते हैं। और आज हिमांशी ने भी, अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप तोरी की सब्ज़ी भी रखी हुई है, किसी ने नहीं खाया, बस फिर मैंने व्लॉग शूट किया ही नहीं था, मैं शाम को ही करूंगी अब। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों मिर्च डाल रहे हैं तीखी वाली जी गाँव वाली, हाँ गाँव वाली है जो मम्मी ने भेजी है, तो बस मिर्च है और धनिया डालेंगे इसमें अच्छा सा,
और डालेंगे इसमें नमक। तो आज बना रहे हैं, इसके पापा की इच्छा पूरी कर रहे हैं आज, क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं, कचौड़ियों के लिए तो कहते ही नहीं है नहीं। और आलू मेरे से लग रहे हैं मुझे थोड़े हैं, पापा वही है ठीक है। और मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, मेथी और टेस्टी लगती है, और ज़्यादा सा डालूंगी, पत्ते से भी दिखेंगे ना, क्रस करके नहीं डालूंगी, यूँ ही डालूंगी, अच्छी लगती है मुझे। और धनिया नहीं है ना, धनिया होता तो धनिया डालती, तो बस मैश कर लेते हैं। तो कचौड़ियों की तैयारी के बीच मैंने सोचा कि कपड़े उतार के ले आती हूँ, और मैं जियो को यहाँ पे, ये मेरे साथ चलने को, जैसे ही मतलब गेट खुलेगा या बैल बजेगी, सबसे पहले गेट पे जियो जाएगा, वैसे चाहे कितनी गहरी नींद में सो रहा हो ये, और बस एक बार गेट की आवाज़ आ जाए और कोई बस ये बोल दे कि मैं जा रही हूँ, बस तुरंत हमसे पहले गेट पर पहुँच जाएगा। तो मैं कह रही हूँ टिशू पकड़ ले, वो डर रहता है ना कभी कोई कुत्ता वगैरह इसे ना काट ले, तो बाहर इसलिए डर रहता है, नहीं तो ये साथ साथ ही जाता है, ऐसा नहीं है कहीं चला जाएगा, साथ साथ ही रहता है। तो बस कपड़े निकालने के लिए भी मैं चली गई हूँ, और वहाँ पे कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ गीले थे, मैंने आज लेट ही सुखाए थे, मतलब लेट ही धोए थे, और बस यहाँ पे कपड़े जो सूख गए हैं वो उतार लूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। और 30-35 व्यूज में भी हम वीडियो बना रहे हैं, हद है यार, और टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगता है सब कुछ एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में, सब कुछ बहुत टाइम लगता है। अभी जैसे कि मेरे वर्क चल रहे हैं अभी वहाँ, क्योंकि सुबह के टाइम वीडियो बना रही हूँ, शाम के टाइम तो कुछ खा लेते हैं ना, सुबह से वर्क रखते हैं तो फिर शाम को कुछ खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। जब भी मैं रात को 2 बजे सोई हूँ, क्योंकि वीडियो बस कभी कभी मन अच्छा नहीं होता इसलिए, और बस जियो तो तैयार ही बैठा है कि बस किसी तरह गेट खुले और मैं अंदर आऊँ। मैं रुक गई पता नहीं कैसे, और हाँ जियो की वजह से, और बस फिर यहाँ पे जियो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है बस। अब फिर कहेगा कि कपड़े मुझे दे दो मैं खेलूँगा, और कपड़े से दे दूँगी तो मेरी तो फिर तो बैंड बजा देगा ये बुरी तरह। बस यहाँ पे फिर पूजा कर लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद में करूँगी काम, मतलब कचौड़ियाँ बनाऊँगी। आज पहली बार तो इन्होंने बोला कि कचौड़ियाँ खानी है, तो बस कचौड़ियाँ बनाने के बाद बस भगवान बाबा सभी की इच्छा पूरी करना, और सभी के घर में सुख शांति और हर खुशी देना, और लंबी आयु हो सभी की, घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की। मेरे अंदर का डर और भय हमेशा, इतना डरती हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस कभी वैसे डर ही रहे, वैसे सब सुख शांति हो हर तरफ से, डर बेशक हो लेकिन को कुछ भी ऐसा ना हो, जो हो चुका है वो हो चुके हैं, बाकी आगे कुछ भी ऐसा ना हो मेरी ज़िंदगी में, मेरे सामने सब रहे सब। तो बस फिर मैं कचौड़ियों के लिए आलू आज है ना, आलू कम रह गए थे, पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी में आलू उबाले थे ना, तो आलू कम रह गए थे, मैंने अपनी लास्ट की कचौड़ी एक मिर्च और नमक की बनाई थी मिर्च और नमक भर के, और यकीन मानो आपकी वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी थी, मतलब आलू से भी ज़्यादा। जब कचौड़ियाँ बनती हैं तो फिर आपस में भी शेयर करनी पड़ती है, जैसे कि क्या बोलूँ, जैसे कि मतलब पूजा के लिए भी चाहिए होती है, और चाहिए होती हैं, आपस में भी लेनी देनी होती है। तो बस कचौड़ियाँ बच्चों की तो हो गई थी, मेरे लिए आलू ख़त्म हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, कचौड़ियाँ कैसी लगी कचौड़ियाँ बताना, कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, लड्डू को लगेगा भोग, तो लड्डू के लिए मैंने कचौड़ी निकाल दी है और सिक रही है, ये देखिए बन गई है कचौड़ियाँ। और आज हमने ना इस बार बड़ माउस पे भी नहीं बनाई थी कचौड़ियाँ, नहीं पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने बड़ माउस पर कचौड़ियाँ नहीं बनाई, क्योंकि उस दिन आप सबको सिवा भी आया हुआ था, उस दिन हमारे रात को लाइट नहीं थी और दिन में भी लेट लाइट आई थी, तो बस सब गर्मी से ना बेहाल हो रखे थे, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ, और तबीयत भी मतलब फिर ऐसे हो रही थी कि ना, एक तो होता है कि नींद बेशक ना आए, कई बार मैं ऐसे लेट के ऐसे रोक जाती हूँ, काम में लग जाती, तो हम लेटते तो हैं, उसमें क्या था कि जब तक हमारे इन्वेटर नहीं लगा था तो हमें बैठ के पूरी रात कभी बाहर कभी अंदर इस तरह से जोर निकाली ना रात,
तो बस सर में दर्द और कमर में दर्द, गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बस गर्मी की वजह से सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा बच्चों कभी बनाऊं और बच्चों की भी हालत है।